दिनांक 13 मई 2019 सोमवार, मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के शो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों के बारे में, जिसमें कि निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की कौन कौन सी खबरें हैं। जानने के लिए इस वीडियो अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बनाया समय होगा, शुरू करते हैं आज का विषय। जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही हैं और आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से। तो दोस्तों आपको बता दें, गुजारा भत्ता जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता है, आधे वेतन पर अधिकार नहीं, ये कहना है हाई कोर्ट का। दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक केस में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि गुजारा भत्ता की राशि स्थायी रूप से विलासितापूर्ण जीवन जीने का साधन नहीं है। गुजारा भत्ता महिला को उसकी आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की एकल पीठ ने कहा है कि अगर पति का वेतन अच्छा है तो भी CRPC की धारा 125 के तहत ये जरूरी नहीं है कि पत्नी को आधा वेतन दे दिया जाए, और ख़ास तौर पर तब जबकि पत्नी अपनी मर्जी से के में रह रही हो। इस मत के साथ हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। भोपाल में रहने वाली डॉक्टर ममता की शादी 2014 में टीकमगढ़ में रहने वाले रमेश दोनों बदले हुए नाम से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही आवेदिका ने पति और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। इसके बाद वह माता पिता के साथ रहने लगी और फैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए आवेदन पेश किया। कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2018 को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। आवेदिका ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, कर कहा कि उसके पति सरकारी कर्मचारी है, उसका वेतन 70,000 रुपये है, भोपाल कोर्ट द्वारा तय गुजारा भत्ता बहुत कम है, इसलिए उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिए जाए। वहीं पति की ओर से बताया गया कि आवेदिका डॉक्टर है और प्राइवेट प्रैक्टिस करती है, पहले भी वे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी। दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि आवेदिका पेशे से डॉक्टर है, उसके बैंक खाते में 2,50,000 रुपये है, हाल ही में उन्होंने महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टता यह प्रतीत होता है कि आवेदिका एक हटी महिला है जो कि मर्जी से मायके में रह रही है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में फैमिली कोर्ट ने जो 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता तय किया है वो आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के 300 से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों को खुला संरक्षण दे रही है नौकरशाही। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थित सचिवालय एवं मुख्यालयों में बैठे नौकरशाह प्रदेश के 300 से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। लोकायुक्त ने इन अधिकारियों के खिलाफ आई शिकायतों की जाँच की है, जाँच में भ्रष्टाचार होना पाया गया है। लोकायुक्त ने दोषी अधिकारियों की को खोजा और उनके खिलाफ सबूत जमा किए हैं। नियमानुसार विभाग के प्रमुख नौकरशाह के पास औपचारिक अनुमति के लिए मामला भेजा गया था ताकि कोर्ट में चालान पेश किया जा सके, परंतु नौकरशाहों ने अब तक अभियोजन की अनुमति ही नहीं दी है, जबकि नियम यही है कि 3 माह के भीतर अनुमति देना ही होगा। संसद ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करके अभियोजन स्वीकृति के लिए 3 महीने का समय सुनिश्चित किया है। इसके बावजूद इसका पालन शासन के विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विकास विभाग और गृह विभाग में क्रमशः 75, 47, 32 एवं 20 मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए 3 माह से अधिक समय से लंबित हैं। इस तरह कुल 309 मामले विभाग प्रमुख के पास लंबित हैं, जिनमें अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जानी है। इस संबंध में समय समय पर पत्र लिखकर अवगत भी कराया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। राज्य शासन से अनुरोध किया गया है कि वह इस ओर ध्यान देगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास बंद किया जाएगा। नौकरशाहों की अनुमति की जरूरत ही क्या होती है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने हर मामले में किसी न किसी बहाने से सारी पावर उनमें अपने हाथों में ही रखी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में भी ऐसे ही किया गया है। दरअसल एक अधिकारी के पास कई विभागीय काम भी होते हैं। कोर्ट में चालान पेश करने से पहले
यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित अधिकारी पद का दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए लोकायुक्त और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच नौकरशाह आ जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया को अनुमति को के बजाय नोटिस में भी बदला जा सकता है। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही। रतलाम एम्पावरमेंट टेंडर घोटाला, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम में दहशत, पूर्व एमडी जांच की जद में। दोस्तों आपको बता दें, रतलाम एम्पोरियम सिक्योरिटी सर्विसेज और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अर्थात एमपीटी के अधिकारियों के बीच हुए कथित अपवित्र गठबंधन की तलाश लोकायुक्त पुलिस ने शुरू कर दी है। एसपीटी में हुए सुरक्षा गार्ड टेंडर घोटाला मामले में लोकायुक्त पुलिस एमपीटी के एमडी हरिरंजन राव को नोटिस जारी कर चुकी है। अफसरों में दहशत का आलम यह है कि एमडी ने नोटिस का जवाब देने के लिए पुलिस से 15 दिन का समय मांगा है। लोकायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर मांगा है और लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार घोटाले के संबंध में निगम द्वारा आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। लोकायुक्त पुलिस ने नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है कि निगम में कुल कितने गार्ड लगाए गए हैं, रतन एम्पोरियम को कितना भुगतान किया गया है और भुगतान का अंतिम निर्णय लेने वाले कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं। यह भी पूछा गया है कि टेंडर कुशल या अर्धकुशल किस श्रमिक या सिक्योरिटी गार्ड के लिए था। इस नोटिस के पहले भी लोकायुक्त पुलिस द्वारा नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन निगम ने आधी अधूरी जानकारी भेजी है। पूर्व एमडी अश्विन लोहानी जांच की जद में। दोस्तों आपको बता दें, लोकायुक्त के नए नोटिस के बाद निगम के अफसर परेशान हैं। एमपीटी के तत्कालीन एमडी अश्विनी लोहानी ने टेंडर का अंतिम अनुमोदन किया था, इसलिए वे अभी जांच की जद में हैं। टेंडर घोटाले में जारी नोटिस का जवाब एमपीटी के एमडी राव को देना है। उन्होंने बुधवार को लोकायुक्त टीम पुलिस से नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है। उमा भारती अब उत्तराखंड में संभावनाएं तलाश रही है, राजनीति पद चाहती हैं। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की भाजपा नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं झांसी सांसद सहित केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती अब उत्तराखंड में राजनीति की नई संभावनाओं की तलाश कर रही हैं। उन्होंने उत्तराखंड पसंद आ गया है, जल्द ही वो भाजपा हाईकमान से इस बारे में बात कर सकती हैं। गुप्त काशी से लौट कर बताई मन की बात। दोस्तों उमा भारती 6 दिवसीय गंगोत्री उत्तरकाशी प्रवास के बाद गुप्त काशी के लिए प्रस्थान कर गई हैं। लौटते समय उन्होंने उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर मत्था टेका। देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच उनके इस प्रवास पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वह गंगा की बेटी हैं और अगर वे उन्हें अवसर मिले तो वे उत्तराखंड राज्य से ही राजनीतिक पद लेकर गंगा संरक्षण के लिए कार्य करेंगी। जिले की बदहाल सफाई व्यवस्था पर उन्होंने इसके लिए जनता में जागरूकता की कमी को इस समस्या का प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जनता स्वयं सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तब तक सरकारी तंत्र कोई बदलाव नहीं ला सकता है। बता दें कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बीते 7 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले दिन यहां पहुंची थी। गंगोत्री में ईशावस्य आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन वे धराली लौट आई थी। यह 3 दिन तक एक होटल में ठहरकर उन्होंने मुखबा, मार्कंडेयपुरी एवं हरशिल के मंदिर में पहुंचकर साधना की। रविवार को उत्तरकाशी पहुंची उमा भारती ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुई उमा भारती ने इसे अपनी मर्जी निजी धार्मिक यात्रा बताई है। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है। एनसीटी एडमिशन में 12वीं की इंटरनेट मार्कशीट भी मान्य होगी। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कोर्सेस में दाखिला लेने को लेकर इन दिनों दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें 12वीं की मूल मार्कशीट की नहीं होने से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बीच में कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता निकाला है। अब 12वीं की इंटरनेट मार्कशीट को भी सत्यापन प्रक्रिया में मान्य किया है। अगर इसके लिए विद्यार्थी को अपने विद्यालय के प्रचारक की इंटरनेट मार्कशीट पर हस्ताक्षर और स्कूल की सील लगवाना अनिवार्य है। मामले में विभाग के प्रवेश नियम वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड
एमएड, बीपीएड और एमपीएड, बीएड या बीएससी बीएड समेत कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों ने बताया है कि 12वीं की मूल मार्कशीट नहीं होने से सत्यापन में दिक्कतें आ रही है। विद्यार्थियों की इन समस्याओं का निराकरण करते हुए विभाग ने इंटरनेट मार्कशीट को मान्य किया गया है, लेकिन इसके लिए भी शर्तें रखी गई है। इंटरनेट मार्कशीट का मिलान संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। यह काम विद्यार्थियों के स्कूल के प्रचार को करना होगा। साथ ही मार्कशीट मिलाने के पश्चात उन्हें अपने हस्ताक्षर और स्कूल की सील भी लगाना होगी। इसके बाद विद्यार्थी हेल्प सेंटर पर जाकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है। उधर विभाग ने हेल्प सेंटर को निर्देश दिए हैं कि ऐसे विद्यार्थियों के दस्तावेज और डीडी सेंटर पर भी रखें। मूल अंक सूची, टीसी और माइग्रेशन मिलने के बाद भी कॉलेजों को दिए जाएंगे। आदेश विभाग के विशेष कार्यवस्थ अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल ने दिए हैं। दर्शकों, इस प्रकार से सुन रहा हूँ कदाया मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें जो कि निकल के आ रही थी 13 मई 2019 सोमवार से। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।